प्रेम सर, प्रेम में आपका स्वागत है। आज हम नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उनके बहुत सारे अच्छे कंसेप्ट को देखेंगे, समझेंगे। साथ ही मैं आपको कहना चाहता हूँ, ऐ जिंदगी मुझसे दागा न कर, ऐ जिंदगी मुझसे दागा न कर, मेरे स्टूडेंट मुझसे दूर रहे या दुआ न कर। ऐ जिंदगी मुझसे दागा नहीं कर, और मेरे स्टूडेंट मुझसे दूर रहे या दुआ न कर। उसे कोई घूमते हुए देखता है तो मुझे होती है जलन, ऐ हवा तू भी उसे छुआ न कर। तो आइए, इसी के साथ मैं प्रेम सर, प्रेम में नई चैप्टर कंसेप्ट के साथ, और ऐसी कंसेप्ट कि जितनी बार ब्लड रिलेशन आपने कहीं भी पढ़ा होगा और समस्या आई होगी, आज हम उसके सारे कंसेप्ट को एक एक करके क्लियर कर लेंगे। सेटिंग अरेंजमेंट की जो स्टार्टिंग किए थे और लास्ट टफ क्वेश्चन पर मैंने एंड की है, उसके भी एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने लेकर आ रहा हूँ, जिसका टाइमिंग शाम के आपको 7 से 8 होगी। कल या परसों या 2-4 दिन के अंदर में वो आपको मिल जाएगी, उसकी इन्फॉर्मेशन भी। यहाँ से जो भी नए बच्चे हैं, एक भी क्लास नहीं छोड़ेंगे, ब्लड लेसन का मतलब होता है रक्त संबंध। रक्त संबंध होता क्या है? तो खून का जो रिश्ता हो उसे बोलते हैं रक्त संबंध। खून का रिश्ता सिर्फ, हमारा खून का रिश्ता सिर्फ दो लोगों से ही होती है, एक फादर और दूसरा मदर। यह दो हैं हमारे लाइफ में जिससे मेरा ब्लड रिलेशन है खून का। इधर अगर बात करें तो इसमें फादर में भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जैसे अंकल, इधर आंटी, जो मेरे फादर के रिलेटिव होंगे उसको बोलते हैं फादर का पेरेंट्स रिलेशन। और इधर जो है माँ का, अगर हमारे पास मौसा मौसी आते हैं, मौसा मौसी या मामा मामी आते हैं, यहाँ मामा और मामी आते हैं, तो इसको बोलते हैं मैटरनल अंकल। यानी कि यह रिलेशन दो तरह के बनते हैं, एक हमारा रिलेशन जो है यहाँ पर फादर से बनता है और दूसरा मदर से बनता है। इस दोनों के बीच से जो ब्लड से अगर बनता है उसमें हमारा जन्म होती है और हमारा पहचान होती है। तो किसी का भी जन्म अगर होती है तो उसमें दो लोगों की जरूरत होती है, एक मेल को जो हमारे फादर है और दूसरा फीमेल को, एक नर और दूसरा मादा। मेल में जो भी अगर दिया हुआ रहे तो उसको हम लोग कोड भाषा में कोड कर लेते हैं, मेल को प्लस से डिनोट कर लेंगे और फीमेल को माइनस से डिनोट कर देंगे। हालांकि किसी भी बुक में अगर आप पढ़ेंगे तो इसको ऐसे ही रखा हुआ है कि इसको प्लस इसको माइनस, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको इसको माइनस इसको प्लस रखें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन किसको प्लस किसको माइनस रखेंगे उसको याद करने के लिए आप ऐसे सोच ले कि अगर पैसा कोई कमाता है तो उसको हम प्लस समझते हैं, धन की बढ़ोतरी होती है, और जो खर्चा करती हैं उसको हम माइनस कहते हैं। तो जैसे पापा है, भैया है, मौसा है, फूफा है, दादा है, ये सब कमाने पर होते हैं, और मम्मी, मौसी, फूआ, बहन, भाभी, जेठ सर, जेष्ठानी, बहू, यह सब खर्चा करती है तो इसको माइनस। यानी कि मेरा कहना ऐसा नहीं है कि फीमेल नहीं कमाती है, क्योंकि कुछ लड़कियां मुँह हाथ टेढ़ कर रही है, देख लीजिए कमेंट्स में भी। तो हो, जब भी अगर फीमेल की बात करेंगे तो उसको हम माइनस सोचेंगे और इसको हम
प्लस सोचेंगे। मेल का मतलब प्लस, जेंट्स जो होता है, मर्द जो होता है, मेल जो होता है वो प्लस उससे डिनोट करेंगे और फीमेल को क्या करेंगे, माइनस। ये कुछ बेस्ट परिभाषा नहीं है लेकिन याद करने का ये ज्यादा बेस्ट कंसेप्ट है। क्लियर है? इस रक्त संबंध में बहुत सारी बातें हैं जो शुरू में तो आपको अच्छा लगेगा लेकिन कुछ दिनों के बाद में आपको कन्फ्यूजन करेगा। इसके लिए शुरू से ही हम इतने क्लियर देखे समझे कि आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नाम का चीज ना रहे। बहुत सारे बच्चे दूसरे कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो वो लोग भी फ़ोन कर रहे हैं, तो हमको आई होप डेट कि जो मेरे यहाँ का कोचिंग का बच्चा कुछ क्लास किए होंगे उनको तो और शानदार समझ में आया होगा, क्योंकि वहाँ पर तो डर भी लगा रहता है लेकिन यहाँ तो एकदम कोई डर नहीं है और हम बोले जा रहे हैं, आप सुने जा रहे हैं, क्वेश्चन का रिप्लाई भी आप करते रहते हैं। मैथ के जादूगर पर एडवांस मैथ लेने में हमको कुछ समस्या ये हो रही है कि उसमें लाइव जो आर एस अग्रवाल सगीर अहमद को पढ़ाना है तो उसमें लाइव आने के लिए आपको पता होगा यूट्यूब में, मुझे तो पता नहीं था कि 1000 सब्सक्राइबर चाहिए थी। तो आप जब ये 1000 सब्सक्राइबर पूरा देंगे तब वो हम लाइव स्टार्ट कर देंगे, एडवांस मैथ का अलजेब्रा स्टार्ट कर देंगे। इस सप्ताह में ही अपने 600 बच्चों को आपने जो दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, यह प्यार मैं कभी भूलूंगा नहीं। 9 से 10 जो बैच है, 8 से 9 है, 7 से 8 है, शाम के 3 से 4 है, 4 से 5 है, 6 से 7 है, यह सारी बैचों से मुझे जो प्यार मिला है आज के डेट में उससे मैं काफ़ी खुश हूँ। तो इसी तरह से बने रहे ऑनलाइन क्लास के, वे आप क्लास पर कम एकदम टाइम से 5 मिनट पहले क्लास पर चले आए, एक कॉपी और पेन रखे, क्लास रूम को बंद करके ही क्लास करें। इसके लिए मैं एक स्पीकर भी लाया हूँ सारे बच्चों को देने के लिए, ये स्पीकर भी आपको गिफ्ट होंगे जिनके कम से कम 20 सब्सक्राइबर पूरेंगे। आपके गांव में दिल्ली पंजाब जो बच्चा उनके मोबाइल मांग कर उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, उनको भी बेनिफिट होगी और आपको भी होगी कि एक पढ़ने के लिए स्पीकर दी जाएगी और साथ ही आपको कहीं ना कहीं पढ़ने में ज़्यादा क्वेश्चन के मज़ा आ जाएगा, क्योंकि वो दोस्त रहेगा, वो कहेगा कि प्रेम सर ये चीज़ पढ़ा रहे वो चीज़ पढ़ा रहे, तो आपको कहीं ना कहीं और मज़ा आएगा। तो आते हैं इसी के साथ, इसके रक्त संबंध में ब्लड लेसन में हमेशा याद रखेंगे कि मात्र आप 3 स्टेप को समझेंगे। 3 स्टेप क्या होता है उसको आप जानें। एक पहला स्टेप जो होता है, जो अपने स्टेप को हम समझेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ, इसको बोलेंगे सेल्फ, और ऊपर वाले को बोलेंगे अपर, जो हमसे ऊपर हैं, जो हमसे नीचे होंगे उसको हम बोलेंगे डाउन। इसमें भी जो होते हैं 2 तरह के लोग होंगे, एक जो होंगे मेल होंगे, मेल को अब मेल नहीं लिखेंगे, प्लस लिख देंगे तो समझ जाइए कि मेल लिखा हुआ है, और फीमेल को फीमेल नहीं लिखेंगे, आप समझ जाइए कि माइनस फीमेल है। जैसे अपने तरफ अगर हम बात करें, खूब गौर से आप समझेंगे, जब मेरे तरफ अगर सेल्फ की अगर बात करें तो सबसे पहले कौन होंगे, तो मैं हो, मैं मतलब मैं अगर मेल हूँ तो मेरा फीमेल क्या होगा, तो मैं ही तो होगा नहीं, होगा तो क्या होगी, मेरी पत्नी। उसी तरह से अगर मैं हूँ तो मेरी पत्नी है, उसी तरह से मेरा यहाँ भाई होगा तो बताइए कि यहाँ क्या होगा। तो यहाँ भाई होगा तो यहाँ बहन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यह मेरी है मतलब पत्नी। तो भाई का क्या होगा, तो भाई का जो होगा तो अगर बड़ी होगी तो मेरी भाभी होगी, अरे सियानो, और छोटी होगी तो क्या होगी, तो जब यह छोटी हो इसको गांव में भावो कहते हैं। इसी तरह से अगर मेरा यहाँ यहाँ साला हो, यह भी समझ में आएगा, तो यह साला है तो इधर क्या होगी, तो साला का यहाँ साली नहीं होगी, क्योंकि यह साला है, साला की पत्नी साली थोड़ी होती है मेरी, इसकी तो बहन होती है। तो साला का पत्नी क्या होता है, साला की पत्नी क्या होता है, तो उसको बोलते हैं सरोजनी, सरोजनी एकदम देहाती भाषा जो आप जानते हैं उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो साला का क्या कहेंगे, सरोजनी। अगर मान लीजिए यहाँ अगर सारहू, एकदम देहाती भाषा है जो आपके घर में समाज में आपके बोले जाते हैं, सारहू, सारहू का मतलब आप समझ रहे होंगेगा कि एक लड़की 2 बहन हैं और 2 बहन में से एक का मेरा शादी हुआ है और एक को दूसरे से शादी हुआ, तो हम दोनों जो होंगे वह सारहू होंगे। जैसे मान लो कि 2 खूबसूरत लड़की है,
उससे तुम लव मैरिज कर रहे हो, और दूसरी बात भी छोटी है, वो भी काफ़ी खूबसूरत है, उससे कोई और लड़का शादी कर रहा है, तो तुम और वो लड़का दोनों आपस में सारू हो, क्लियर। तो सारू की पत्नी जो होती है वह क्या होती है, सरोजनी। सारू की पत्नी जो बड़ी होती है, गौर से देखिएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, सरोजनी। अगर छोटा है, सारू आपसे छोटा है, तो इसको बोलेंगे साली, साली के घर वाला या सरोजनी का घर वाला। गलत बोल रहे हैं क्या, सही बोल रहे हैं, ये दोनों का सरोजनी या साली, तो उसका क्या हो जाएगा, सारू। साला का तो सरोजनी होगा, यहां मिस्टेक हो रहा था, देखिए गौर से, ये ऐसे होगा, सरोजनी जो होगा वो हमारा किसका आएगा, साला का, और सारू का क्या होगा, साली। अच्छा, साली के साथ साथ तो साली होगा छोट होगी, तो अगर ये बड़ी होगी तो साली, और दूसरा होता थाली, मतलब कहने के सेंस साली और थाली का मतलब होता है जेठ सर, जो बड़ी होती है उसको जेष्ठ, जेष्ठ बोलते हैं, वो हमारा जेट्सर या जेट्स कहते हैं। और क्या हो सकता है आप अपने रिलेशन में, तो आप जितना भी अपना रिलेशन समझते हो, तो यह सेल्फ है, सेल्फ रिलेशन बराबर होता है, तो इसको बराबर का चिन्ह न देकर इसको ऐसे चिन्हों से इसको इंडिकेट करेंगे, इसी को समझेंगे कि बराबर सेल्फ का है। हो अगर डाउन की बात करें, ये और क्लियर हो जाएगा जब यह और यह लिख देंगे, तो डाउन वाला में अगर बात करेंगे तो यहां क्या लिखेंगे, बेटा। तो यहाँ जैसे बेटा लिखेंगे तो बेटा के खर्च करने वाली क्या होता है, तो बेटा की पत्नी, बेटी नहीं होता, क्या होता है, बहू। तो ये हो जाएगा बहू। और क्या होगा, तो आपका इधर हो जाएगा भांजा, ये हमसे नीचा है, डाउन है जनरेशन, क्योंकि बहन मेरी जनरेशन की है, मेरे माता पिता के जो बच्चे होंगे वो मेरे जनरेशन के होंगे, उनका छोटा होगा तो वो मेरे बच्चे के जनरेशन के होंगे, तो ये डाउन का है, भांजा। तो यहां पर भांजी नहीं, भांजा बहू, या इसी को गांव में बोलता है बहिन पुतो, बहन पुतो गांव की भाषा है, इसलिए आपको देते हैं कि आपको ब्लड रिलेशन में बहुत सारी समस्याएं ना हो। हो भांजा के बाद क्या होगा, भतीजी, भतीजी नहीं भतीजा, इधर लिखा है भतीजा। तो भतीजा का जो हमारा भाई होगा, भाई का बेटा जो होगा भतीजा, तो भतीजा का जो भी अगर होगा तो वो भी क्या कहलाएगा, तो भतीज पुतो बहू। इसके बाद अगर और भी अगर कहिएगा कि जैसे अगर इधर माइनस वाला में अगर बात करेंगे, तो जैसे भांजी, तो इधर भांजी को कमा कर कौन खिलाता है, कौन देता है पैसा, तो भांजी को देता है, तो इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, भांजी दामाद। ये हमारी गांव की भाषा है, उसी भाषा में हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद होगा सिर्फ दामाद, तो दामाद जो होगा वो किसका होगा, तो दामाद किसका होगा, तो बेटी। यह तो आप समझ में आ रहे हैं कि ये सब हमारे डाउन का है, मतलब मेरे जनरेशन से नीचे, तो नीचे वाले जनरेशन को ऐसे इंडिकेट करते हैं, नीचे वाले को नीचे इंडिकेट करते हैं। अब चलो ऊपर, तो ऊपर में कौन होंगे, तो इधर होंगे पापा, इसके बाद इधर होगी क्या, माता, चमा, अरे होगी ना, इधर पापा, इधर होगी माँ। एक और होते हैं, सबको अब दो दो पापा है ना, आपके पास दो पापा, आप ही को बोल रहे हैं, अंकित, सरोज, सबको दो पापा है, एक है पापा आएगा पापा जी, और पापा जी की मैडम जो होती है क्या होती है, मम्मी जी, समझ गए होगे, इसी को हम लोग ससुर बोलते हैं, ससुर गांव में, और इसको क्या बोलते हैं, सास। इस साइड चाचा हमारे ऊपर हैं, तो इधर होगा चाची, दिखाई दे रहा होगा। इधर अगर बात करते हैं तो यह इधर होगा फूफा, तो फूफा का फुआ, लेकिन फुआ देहाती है, फुआ बुक में नहीं लिखा होता, होता बुआ।
तो इस टाइप से आपके तीन जनरेशन की बात करेंगे। अब कहिएगा कि बाबा चाहे नाना, तो नाना के लिए आपको आगे नहीं बढ़ना है कि एकर नाना, यह सोचिए कि हमर बेटा है। तो बेटा के यहाँ पर देखिएगा तो ऑटोमेटिक है कि हमारे पापा उनको दादा बन जाएंगे, बाबा बन जाएंगे, और ससुर है जो नाना। तो फिर यही वाली क्या, फिर इस पर लिखे, फिर उस पर कितना दादा नाना खोजिएगा। इसलिए तीन कंसेप्ट में पूरा आपका रिलेशन क्लियर हो जाएगा। तो नीचे वाले को ऐसे नीचे लाइन लिखते हैं और ऊपर वाले के लिए ऊपर लिखते हैं। यह दोनों आपको कोई अंतर नहीं, ये लिखिए ऊपर नीचे में अभी कोई समझने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये जानिएगा कि नीचा जाए तो ऐसे और ऊपर जाए तो ऐसे, और सेम रहेगा तो बराबर। तो बराबर में दो लाइन नहीं कि समय के ख्याल रखते हुए एक लाइन खींच देंगे। यह हमारा जो चल रहा है ब्लड रिलेशन हो, ब्लड रिलेशन रियलिटी ये है कि अगर आप कंटिन्यू क्लास करते हैं तो हमारे ख्याल से आपको कहीं से भी समस्याएँ न के बराबर में आएगी। आपको एकदम क्लियर यहाँ तक समझ में आ रहा है, समझिए कि पूरा समझ में 100% आएगी। इसमें कुछ भी चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कोई बात नहीं सीखना है। कल में कुछ हम प्रैक्टिस भी लेकर आ रहे हैं तो इससे और भी क्लियरिटी बढ़ेगी। अभी अभी आप कंसेप्ट, सारे कंसेप्ट को ध्यान दीजिए और आपको मजा आने वाला है। यह मैं रिलेशन लिखा हूं, मैं क्या कह रहा था सो हम बताते हैं। जैसे जैसे राजा दशरथ, देखिए राजा दशरथ, तो राजा दशरथ यहाँ लिख दिए, इसका बेटा का नाम था राम, तो राम नाम था तो डाउन है, तो यहाँ लिख देंगे राम। राम के साथ आपको है लवकुश, देखकर बेटा है तो यहाँ लिख देंगे लवकुश। ठीक है, लक्ष्मण लिखना है तो लक्ष्मण कहाँ लिखाएगा, लक्ष्मण कहाँ लिखाएगा, तो राम की इक्विवेलेंट है इसीलिए मैंने ये कहा लक्ष्मण। सीता कहाँ लिखाएगा, तो राम का जनरेशन है तो यहाँ लिखेंगे सीता। कौशल्या कहाँ लिखाएगी, तो दशरथ की पत्नी है, तो ऐसे मतलब यह इसके जनरेशन का है, ये इसके जनरेशन का, इसके जनरेशन का। कुश कहाँ लिखाएगा, तो कुश लिखाएगा यहाँ इसके जनरेशन का, मतलब सेम जनरेशन में सेम इंगित करेंगे। ऊपर रहेगा तो ऊपर लिख देंगे और नीचे रहेगा तो नीचे। शायद अब इस बात से थोड़ा बहुत और आप क्लियर होते जा रहे होंगे। अगर बात हम लोग करें, अगर हम लोग बात करें तो और क्या सीखना चाहिए, तो पहला यह सीखना चाहिए कि मेल को याद रखना है कि मेल हमेशा प्लस से, क्योंकि कमाता है पैसा, इसलिए मेल से एम फॉर मनी आई एम फॉर मेल, पैसा कमाने को जो होता है वो मेल होते हैं, खर्चा खर्चीला जो होता है वो होता है फीमेल। तो यहाँ फीमेल है तो फीमेल को हम लोग डिनोट करेंगे माइनस से। इसके बाद होता है दंपति, दंपति, दंपति का मतलब होता है पति पत्नी। दंपति बराबर होता है पति चाय के और पत्नी बराबर होता है दंपति। पति पत्नी को अगर मिला दिया जाए तो क्या कहलाता है, दंपति हो। तो यह पति पत्नी को क्या कहते हैं, दंपति। तो गौर से देखिएगा कि दंपति जब भी अगर होगा तो इसका जो सिंबल देंगे ऐसे देंगे, या इधर के तीर और इसको, पति पत्नी में झगड़ा होता है, ये भी मारता है तीर और इधर भी मारता है तीर। बस इतने ही चीज़ को अगर आप ख्याल रखते हैं तो आपको किसी भी चीज़ों का ख्याल अगर मन में आता होगा वो सब आपका ख़त्म हो जाएगा कि जब जब ब्लड रिलेशन आएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि पति पत्नी रहेगा तो एक तीर पति पत्नी को देता है और पत्नी भी मारती है पति। इसी चैप्टर के माध्यम से एक मैं आपको बातें बताने जा रहे हैं जो आप गौर से पहले सुने, आप कहीं ना कहीं इंजॉय करेंगे। सुनाए कि छोड़ दे, आज अगले दिन सुनाएंगे, अगर आप कहेंगे तो सुनाएंगे, सुनाएंगे तो पहले आप लोग पहले लाइक कर दीजिए तो हम समझ जाएंगे कि सुनाना है। देखिए गौर से मैं आपको सुना ही देता हूं कि दो दोस्त था, दो दोस्त, वह सीतामढ़ी में रहकर पढ़ाई करता था कंपटीशन की तैयारी प्रेम सर के यहाँ। दोनों दोस्त को तैयारी करते करते 4 साल 5 साल निकल गया और किसी को सफलता हासिल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि क्लास तो कर रहा था मैथ रीजनिंग का, जीके जीएस नहीं करता था, और जब जीके जीएस पर भिड़ता था तो मैथ रीजनिंग को छोड़ देता था।
यही दोनों में फॉल्ट था, पढ़ने में एवरेज स्टूडेंट था। यानी कि कभी भी स्टडी करेंगे तो सबको एवरेज मार्किंग करेंगे, सेट प्रैक्टिस करेंगे। अब सब बहुत सारी सुविधाएं भी आ गई, तो जब जॉब नहीं लगा तो एक जो है क्या क्या प्राइवेट बैंकों में काम पकड़ लिया। एक अजय था, बीरू था, अजय बैंक में कर लिया। बीरू सोचा कि एक दो दोस्त तो प्राइवेटों से काम चला रहे, हम क्या करें। बीरू एक्चुअली में घर से बहुत ही संपन्न परिवार के था, लेकिन अकेले भाई में था। तो बीरू किया क्या, कहा कि कुछ भी हो जाए हम कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। लेकिन उसकी माँ को बार बार फोन आ रहे कि बेटा नौकरी बाद में होती, पहले शादी ब्याह कर ले, हम मर जाएंगे तब तुम शादी करोगे। अब तो बड़ी मुश्किल हो गया। दोस्त को कहा, अब दोस्त भी कह रहा कि ठीक है बहुत परेशान है तो करिए लीजिए, माता जी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। हो तो जब ये अगर शादी की बात हुई तो हुआ कि उसका फाइनल कर दिया गया उसकी माँ के द्वारा। शादी जब फाइनल हो जाती है तो हुआ क्या कि से वह जो लड़की थी वह डीएड और बीएड कर ली हुई थी, तुरंत नीतीश कुमार इलेक्शन के चलते दिया वैकेंसी और उसकी पोस्टिंग हो गई उसकी वाइफ का। शादी के कुछ ही दिन हुआ होगा, दो चार दिन ही, तो उनका पोस्टिंग मिल गया, और मिला तो सीतामढ़ी में मिला। अब तो बड़ा लड़का खुश कि चलो भाई अब तो मज़ा ही मज़ा है, ससुराल से भी पैसा आएगा, यहाँ से भी आएगा, नौकरी ना हुआ तो क्या हुआ। मेरा दोस्त अजय जो कह रहा था कि बैंक में, अब तो हम भी कहेंगे कि अच्छा कमाते हैं, उनका तो 12,000 की सैलरी, मेरी पत्नी की 25-30,000 की सैलरी है। इसी के लिए वो खूब हंसता था। एक दिन दो दिन ऐसा हुआ कि दो तीन महीना जब बीता तो जब दोस्त आता था बैंक से अजय और बीरू के देखता था तो हमेशा हंसता था। तो बोला कि इसे दोस्त जब मेरे साथ थे तो कभी आप नहीं हंसते थे, लेकिन जब मैं इस रूम में हूँ आप बगल के फ्लैट में चल गए हैं, तो क्या ऐसा बात है कि आप सुबह शाम जब भी मैं बैंक जाता हूँ 10 बजे और शाम को आता हूँ 7-8 बजे फिर भी आप हंसते रहते हैं, क्या रीजन है। तो बोला कि छोड़िए दोस्त वो सब नहीं करना चाहिए। तो बोला कि नहीं यार एक्चुअली मैं कि शादी के बाद लोग रोता है लेकिन तुम हंसते क्यों, क्या बात है, सो आज तो तुम्हें कहना पड़ेगा। फिर भी उस बात को टाल दिया बीरू, क्योंकि बीरू समझ रहा था कि क्या क्या परेशानी झेलना पड़ता है। वो क्या किया, ड्यूटी तो गया लेकिन फिर लौट कर चलाया, क्योंकि उसके माइंड में हर दिन यही सोचता था कि ऐसा क्या चीज़ हो गया जो खुशी है। आकर वो रूम में बैठ गया। बीरू बोला कि अरे तुम आज बैंक गया नहीं। तो बोला गए तो थे लेकिन हमको लौट के रास्ते से, आधी रास्ते से लौटा है। बोला क्यों। बोला कि ये हमें बताओ कि तुमने ऐसा क्या तुमको मिला है कि तुम इतने खुश हो, अगर खुश हो तो मैं भी शादी कर लेता हूँ। बोला ना रे ना, शादी ना। तो बोला आखिर में खुश हो क्यों, तुझे मेरी कसम, तेरी मेरी दोस्ती की कसम। अब समझ जाइए, आपको भी पता होगा दोस्ती कितना लगता है, शंकर भगवानों से बड़ा है। अगर किसी को किसी से दोस्ती अगर अच्छी हो जाए तो वास्तव में लगता है कि हम दो एक हैं। तो जब ऐसा होता है तो बीरू पूछता है कि ठीक है चल तुझे बताता हूँ। तो कहा बता। कहता है कि देख मेरी वाइफ जो है टीचर है, वो सुबह उठती है तो फ्रेश व्रेश होने में, हम तो बेरोजगार हैं, उसका नाश्ता पानी बना कर पैक उप करते हैं तो वो जाती हैं, फिर आती है तो शाम को हम बनाते हैं, ये मेरा रूटीन हो गया। स्नान करती है, बाथरूम में कपड़ा रख देती है, कपड़ा भी धोकर मेरा टांगना है। कभी कभी होता है क्या, नाश्ता बनाने में कभी कभी नमक अधिक पकड़ गया या कम पड़ गया या टेस्टी नहीं बन पाया, तो मेरी पत्नी जब ये नाश्ता का प्लेट लेती है, अगर नाश्ता पसंद नहीं है तो क्या करती है कि झाड़ू बेलना सैंडल्स लेकर फेंककर मारती है। और जब ये मारती है तो जब ये अगर मुझे लग जाता है तो वो हंस पड़ती है, और नहीं लगता है तो मैं हंस पड़ता हूँ। यही हंसी की कहानी। चलिए तो दंपत्ति की जो आप कहानी सुन रहे थे, हंसी नहीं आई कुशल पर, जो दंपत्ति की कहानी आप समझ रहे थे, पति पत्नी का मतलब दंपत्ति, एक तीर ये मारेगी तो दूसरा तीर ये मारेगा। क्लियर हो। ऐसे ही क्लास को अटेंड करते रहें। आज इसका टॉपिक है, कंसेप्ट है, अगर मान लीजिए सपोज डेट
कि ब्लड लेसन को अगर एकदम बढ़िया से क्लियर करना है तो हर पॉइंट को हम लोग सोचते देखते की तरफ बढ़ेंगे। दो तीन बातों को अगर कवर करेंगे तो आसानी से हम किसी भी क्वेश्चन को, चाहे वो बैंक का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, एकदम क्लियर कर लेंगे। आइए वैसे कुछ क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए, गौर से सुनिएगा, ए बी का चाचा है। मैंने लिखा ए बी का चाचा है। देखिएगा, ए बी का चाचा है तो इसको आप ग्राफ से भी, ए बी को आप ग्राफ से भी और साथ ही ग्राफ से भी पढ़ाएंगे और साथ ही इसका छूमंतर भी हम आपको बताएंगे। हो जैसे ए बी का चाचा है तो आप करेंगे क्या कि ए है बी का चाचा, तो गौर से देखिएगा, जो छोटे रेंज के लोग होंगे उसे नीचा रखेंगे और ऊपर रेंज के लोग होंगे उसको ऊपर बढ़ाएंगे। कहता ए जो है बी का चाचा है, तो ए है ना बी का चाचा, तो यहाँ रखेंगे बी, तो चाचा आते कहाँ है, यही ब्लड रिलेशन है। चाचा मम्मी की तरफ से आते हैं कि पापा की तरफ से, तो पापा की तरफ से, तो इसके ऊपर पापा होंगे, तो जो पापा होंगे तो पापा मेल होंगे कि फीमेल, अपर होंगे, इनसे ऊपर होंगे, तो यहाँ प्लस, तो यहाँ कर लेंगे प्लस। कहता है क्या है, ए बी का चाचा है तो अगर यह पापा होता तब तो यही भाई यहाँ ए होता, लेकिन पापा नहीं है चाचा है, तो चाचा पापा, ये पापा कोई व्यक्ति यहाँ पर होगा। अच्छा अच्छा, चाचा कैसे होंगे, तो इसका जो कोई भी होगा तो भाई होगा, तो एकरा लिए तो सेम जनरेशन होगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे ए। यह चाचा है तो लड़की तो हो नहीं सकता, ये क्या होगा लड़का, तो इसको हम लोग ग्राफ मेथड कहते हैं। अभी ग्राफ देखेंगे, कुछ क्षण के बाद इसको डायरेक्ट देखेंगे, पहले छोटी छोटी बातों को क्लियर कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे इसी क्वेश्चन में कि ए बी का चाचा है, ए जो है यह इसका चाचा है, तो यह तो ग्राफ है, कहेगा बी क्या है, मतलब यह क्या है, तो आप नहीं कह सकते हैं। आप ऐसा सोचिएगा अपने आप को कि मैं लड़का हूँ, तो आपको लगता हो कि हम तो भतीजा होंगे, लेकिन आपको कौन कहा है कि आप लड़का है कि लड़की है, आपको पता है, अरे आपको पता है कि आप लड़का है कि लड़की, पहले तो यह क्लियर होना चाहिए कि आप लड़का है कि लड़की, यह पता नहीं। अच्छा तुम सीरियस हो, तुम लड़का हो या लड़की हो, तुम्हारे लिए नहीं, क्वेश्चन की बात करते हैं। यह जो बी होगा तो बी लड़का है कि लड़की हो पता नहीं, तो यहाँ प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, इसके लिए टेंशन नहीं। तक पूछेगा कि ये तो चाचा है लेकिन एक ही कौन है, तो एक यह भाई का बेटा है, चाहे बेटी है तो बेटा होगा, तो क्या होगा भतीजा, और बेटी होगी तो क्या होगी भतीजी, तो इसमें अथवा की बातें होगी, लेकिन इसके लिए परफेक्ट या चाचा होगी। एक दो बातें और भी देखेंगे आप, दिल्ली के टीचर पढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं कि नॉलेज उन्हें कमी है, वो क्या करते हैं क्वेश्चन को लेकर चले आते हैं, बोलते हैं मैं चाहता हूं कि हर एक बात को क्लियर हो जाए, दो नहीं तीन वीडियो बने, दो महीने नहीं चार महीने पढ़ाए, लेकिन हर एक बात को आपको क्लियर कराते चलो। कुछ बच्चे तो बोलते हैं कि सर दूसरा के भी बच्चा आता है तो आपका रीजनिंग समझ जाता है, धन्यवाद। देखेंगे यहाँ देखेंगे, टाइमली सब लोग जुड़ जाइए, अभी देखिए कुछ लोग जुट रहे हैं, सपना है, सुहेल है, शाहिद है, टाइमली क्लास को अटेंड करें, एकदम 10 से 11, तो 10 से 11 संडे ऑफ रहती है। हो अगर मान लीजिए सपोज दैट, अगर हम कहें कि बी सी का दादा है, दादा का मतलब होता है बाबा, कहीं कहीं गांव में दादा का मतलब चाचा भी होता है। देखिए कौन है, तब बी है, बी सी का दादा है, तो इसको छोड़ दीजिए, पहले यहाँ से एकर ई दादा है, 12 कौन होगा, तो ई होगा, क्योंकि ये होगा पोता चाहे पोती, तो जो छोटा रहेगा उसको उठा लेंगे, सी के दादा तक जाना था, पहले तो उसके दादा कैसे आता होगा, पापा की तरफ से कि माँ की तरफ, तो पापा, तो यहाँ पर कोई पापा होगा, यहाँ पर प्लस लगा देंगे, और इससे ऊपर कोई होंगे तो वो दादा होंगे, क्योंकि बाप के बाप जो होता है वो बाबा होते हैं। तो यह कौन है बी, और बी यह प्लस, यह इसका ग्राफ है। हमारे ख्याल से हर बात को आप जैसे जैसे हम धीरे धीरे बता रहे हैं वैसे वैसे आप समझने का प्रयास कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं।
क्योंकि छोटा रिलेशन पर जितना क्लियर रहिएगा बड़ा बड़ा क्वेश्चन वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएंगे। यहां पर अगर आप देखते हैं, गौर से देखें कि अगर मान लीजिए सपोज दैट कि यहां अगर मान लीजिए कि इसे ए है, ए और ए की दादी ई है, तो दादी पहुंचना है तो दादी कहां तक जाएगा, दादा से आएगा, दादा कहां से मिलेगा, पापा से मिलेगा। तो ऐसे सोचिए यहां पर कोई हमारा पापा है, पापा अपर, पापा के कोई ना कोई यहां अपर होंगे, पापा, पापा के क्या हो गए हैं, पापा, पापा के पापा, हमको जाना कहा दादी, तो पापा के पापा हो गए क्या दादा, बाबा, और इसकी जो पत्नी होगी तो पत्नी तो ऐसे ही ग्राफ बनता है ना, पत्नी, और वो कौन है, ई है, तो यह क्या हो जाएगी माइनस, तो यह हमको कहला जाएगा कि यह हमारा दादी है। क्यों, क्योंकि पापा, पापा के पापा, बाबा, बाबा की पत्नी, क्या हो जाएगी, क्लियर है। अगर पूछे कि एक कौन होगा तो आप ऐसे सोचिए कि यहां से सोचिए कि मैं, मेरा यह जो हस्बैंड, हस्बैंड का बेटा मेरा भी बेटा, और बेटा का बेटा हमारा जो होगा बेटा, लेकिन यह लड़का है कि लड़की नहीं पता है, तो यह जो बेटा का बेटा जब भी होगा तो हमारा पोता होगा नहीं तो पोती होगी, तो यहां कुछ भी कर सकते, या तो पोता होगा नहीं तो पोती, क्लियर होगा। जलंधर, रेखा का मौसी का पुत्र है। देखिए जलंधर रेखा का मौसी का पुत्र है। अभी हम आपको बताएंगे जलंधर लड़का है कि लड़की नहीं जानते हैं, रेखा लड़का है कि लड़की अभी नहीं जानते हैं, अभी और भी इसके पॉइंट के बारे में बताएंगे। अभी जो हम कहना चाहते हैं कि जलंधर, हम आपको बता रहे हैं कि मान लेते हैं लड़का दिया हुआ है या लड़की दी हुई है। जलंधर जो है रेखा का मौसी का पुत्र है, मौसी क्या या मौसा का, तो आपको बोले ये वाला टच नहीं करेंगे, सेकेंड वाला से उठाएंगे। रेखा का, तो रेखा देखते रहिएगा, रेखा, अब रेखा के मौसी, मौसी सोचेंगे आएगा कहाँ से, मौसी कहाँ से आता है, पापा के तरफ से कि मम्मी के तरफ से, तो मौसी तो माँ की बहन होती है ना, तो मेरी यहाँ पर कौन होगी, माँ, माँ का मतलब माइनस, यहाँ प्लस होता था पापा, मेरे ऊपर जस्ट कौन होते हैं, तो या तो पापा ना तो मम्मी, माइनस लिखेंगे तो मम्मी और प्लस लिखेंगे तो पापा, तो मौसी के पास जाना तो ये, और माँ, माँ के बहन, में तीर नहीं लगा दीजिएगा ना तो फिर पति पत्नी हो जाएगा, ये बहन है सेम जनरेशन में, तो यह जो माइनस कीजिएगा तो इसका मतलब इसकी यह बहन है, तो ये मेरी कौन है, मौसी, और मौसी का पुत्र है जलंधर, तो एकर कोई बेटा है, तो बेटा है उसका नाम क्या है, जलंधर पुत्र है, यह ग्राफ देखिए तो समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। एक लंबा ग्राफ बना रहे हैं, बोल बोल कर लिख नहीं रहे, बोल बोल कर बना रहे हैं, थोड़ा सा माइंड को अस्थिर कर लें आप क्लास की तरह। राजा दशरथ को आप जान रहे होंगे, दशरथ का बेटा राम, दशरथ का बेटा राम, तो बेटा लगा दिए तो ये प्लस, हालांकि जेंस थे इसलिए हम अभी हम जान रहे हैं, हम आपको दिया है तो इसलिए प्लस लगा रहे हैं। इसका बेटा लव और इसका भाई कुश होगा ना, दोनों बेटा था लव कुश, यहां तक ठीक है। इसकी पत्नी, तो पत्नी सीता, समझ में आ रहा होगा, इनकी पत्नी, तो पत्नी में तीर मारेंगे, कौशल्या, समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा, खाली रिलेशन आप देख रहे हैं। राम का भाई, तो भाई लक्ष्मण, लक्ष्मण का भी भाई भरत, तो भरत, शत्रुघ्न, तो शत्रुघ्न, यह देखिए। लेकिन एक हनुमान था, हनुमान अब बहुत करीब था, उनका शिष्य
उनका भक्त समझिए राम जी का। हनुमान के कहाँ बैठाया जाए तो हनुमान को इस बीच में आप कहीं नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी जो है इनके ब्लड लेस नहीं है, इनके खून में वो नहीं है। वो हनुमान जी पवन पुत्र है, शिव पुत्र है, वो ग्राफ उनमें पड़ेगा, यही आपका ब्लड लेसन के ग्राफ जानी जाती है। समझ में आ रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड ब्लड लेसन। कितना बहुत बड़ी भक्त हैं, लेकिन ब्लड लेसन अगर होगा तो सिर्फ उसके खून के रिश्ता का ही नामकरण होंगे। इनकी कई जितनी भी पत्नियाँ होगी तो और भी पत्नियाँ लिख देंगे यहाँ, और भी होगी तो और भी जितनी पत्नियाँ बना लो, क्योंकि दशरथ साहब खुद एक जेंट्स थे, बाकी सब माइनस होगा। यहाँ तक तो आप क्लियर होइएगा। अगर सीता की अगर बहन है उर्वशी, तो बहन है उर्वशी, बहन है माइनस। यहाँ पति पत्नी का फिगर आप नहीं बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड ब्लड रिलेशन। आइए एक दो एग्जाम्पल। देखिएगा थोड़ा सा, ए के ससुर, के ससुर के नाती बी है, एक के ससुर के नाती बी है। गाली बोलते हैं ना आप लोग, देख लीजिए, एक के ससुर, तो ससुर कहाँ से आता है तो पहले कन्फर्म होइए, एक के ससुर, एक के ससुर, तो ससुर आता कहाँ है, मम्मी से कि पापा से? तो ससुर न तो मम्मी से आता नहीं पापा से आता, ससुर आता है पत्नी से। तो यहाँ कोई पत्नी होगी, अगर यहाँ मैं जेंट्स हूँ तब, अगर मैं महिला हूं तो यहाँ क्या होगा, प्लस, दोनों हो सकता है। तो अभी इसको हम जेंट्स मानते हैं तो इधर क्या होगा, महिला। तो एक करी क्या हमको ससुर, एक के ससुर, किसका ससुर, एक के ससुर, तो एक के ससुर, तो इसका कोई पत्नी होगा, एकर ससुर, तो पत्नी के बाप ससुर कहलाता है, तो ससुर तो प्लस होता है। अकाता इसका नाती, ससुर के नाती हो, तो ससुर के नाती क्या होता है, मतलब ससुर के नाती क्या होता है, तो बेटी के बेटा को नाती कहते हैं। तो इसका बेटी यह है, इसका बेटी यह है, और इसका कोई बेटा होगा, यह बेटा, इसी को बोलेगा यह कि यह हमारा नाती है। तो अर्थात यह ससुर के जो नाती होता है वह एक के कंप्लीट पुत्र होता है, बेटा होता है, हमर ससुर के बेटा, मेरे ससुर का बेटा हमको साला लगेगा, ससुर के बेटी हमको साली लगेगा, लेकिन ससुर का नाती हमको क्या लगेगा पता है, बेटा लगेगा। हाँ, हमारे साली होगी वो भी उनका नाती हो सकता है, तो वो मेरा बेटा नहीं होगा, तो मेरा सारू का बेटा होगा। क्लियर है? आइए बहुत छोटी छोटी बातों को हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप भ्रम पैदा ना हो जाए, क्योंकि मंजिल की एक रास्ता होती है, भटकने की कई रास्ता बनी होती है। आप उस चौराहा पर बैठे हुए हैं जहाँ से पजल को जाने के लिए तैयार है, क्योंकि पजल तब आने को होता है जब सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन और रैंकिंग, तीन चैप्टर कंप्लीट, तब पजल कंप्लीट। दो तीन क्वेश्चन और एग्जांपल में आप देखें ऐसे। पवन, चाहे ABCD लिखते हैं, एक्स वाई के मामा के, मामा के चाचा के बेटा है, एक्स वाई के मामा। गौर से सीखेंगे, यहाँ वाई है, वाई के मामा कहाँ से आएंगे, तो मामा पहले मम्मी से आती है, तो यहाँ पर क्या होगा, मम्मी होगी, मदर नहीं होगी, इसका क्या होगी, मम्मी।
हो वाई की कोई माँ होगी, अब मम्मी मामा पहुँचना है तो इसका कोई भाई होगा जो होगा मामा। कहता है एक्स जो है वाई के मामा के चाचा, तो यह तो हम मामा के पास चले, मामा के चाचा कहाँ होगा, तो मामा के कोई पापा होगा जे हमारे नाना होगा, एकर कोई पापा होगा। मामा हम पहुँच गए, ये मेरा नाम है, मैं मेरी माँ है, देखिएगा मेरा मेरा ही मैं ये माँ है, माँ का यह भाई है तो मामा, मामा के चाचा तो चाचा, एकर चाचा मामा कहाँ से, एकर पापा से आया होगा तो एकर पापा, आ पापा के भाई जो होगा तो ये क्या होगा चाचा, जिसका नाम क्या है एक्स है तो एक्स। अब तो आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा कि किधर का ब्लड रिलेशन होता है, जो नए बच्चे और भी क्लियर आपको नहीं हो पा रहा होगा लेकिन और क्लियर होगा, टेंशन मत लीजिए। हमारे ख्याल से लाइट आज बिल्कुल आपके साथ हैं, एकदम क्लियरिटी के साथ हैंगे, एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, आवाज भी मेरा क्लियर ही जाता है। देखेंगे गौर से कि ए और बी आपस में भाई हैं, भाई हैं तथा डी डी इनका नाना के बेटा का पुत्र है। अब देखिए हर बात को ध्यान रखें, ए और बी आपस में भाई है तो कैसे होगा, ए और बी आपस में भाई है, मतलब दोनों लड़का है, ए और बी आपस में भाई है खत्म, तथा डी इसके नाना के बेटा का पुत्र है, वो बाद में हम लोग पहुंचेंगे, पहले डी का नाना कहता तथा डी इनका नाना, तेकर नाना कहाँ से आएगा, दोनों भाई है तो दोनों भाई के एगो कोई ना कोई तो माँ होगा ही, नाना पहुँचता है तो ये माँ हुआ ऊपर वाला, और माँ के जो पापा होंगे वह क्या होंगे प्लस, मतलब ए बी दोनों भाई, भाई की माँ, माँ के पापा नाना। कहता है डी इसके नाना के, अच्छा नाना, और नाना के फिर कोई होगा क्या बेटा, तो यहाँ प्लस, यानी कि नाना का बेटा तो बेटा होगा, ये दोनों आपस में भाई बहन होते हैं जो हमारे मामा हो, और उनका पुत्र कौन है डी, तो एकर बेटा के नाम क्या है डी, तो यहाँ लिख देंगे प्लस, अर्थात ये जो है हम कह सकते हैं यह ए बी का डी जो है ममियाउत भाई है, यानी कि मामा का बेटा है, क्यों, क्योंकि इसका ये कौन है मम्मी, मम्मी नाना, और नाना के ये बेटा, तो नाना के बेटा हमें क्या कहेगा, अब समझ रहे हैं, मामा, मामा है और मामा के बेटा हमको क्या कहेगा भाई, हम भी उसको कहेंगे भाई। अब तो हमको लगता है कि एकदम क्लियर होते जा रहे हुएगा धीरे धीरे ब्लड रिलेशन की तरफ। एक जो है भाई के लिए ब्रदर यूज करते हैं और बहन के लिए सिस्टर। एक वर्ड आता है कजन, कजन का मतलब क्या होता है कि जो हमार चाचा या चाची हो उनके बेटा या बेटी, कजन का मतलब होता है कि जो हमारे चाचा के बेटा हो या बेटी दोनों में से कोई होगा उसको बोलते कजन। कह सकते राधा इज माई कजन, वो मेरी बहन है कजन, और आप कह सकते हैं कि रामू इज माई कजन, दोनों मेरे कजन हैं। कजन का मतलब होता है कि लड़का या लड़की दोनों, तो आप दोनों कह सकते हैं कि वह मेरे चाचा के बेटा या बेटी है। अब तो ये बात एकदम समझ में आ रही होगी। इसी के साथ
मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ कि लंबा क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। वैसे आप देख लीजिए क्वेश्चन का एक नेचर, हम आपको बताते हैं उदाहरण में, एग्जांपल लिया जाए क्वेश्चन कैसे इससे आएंगे। तो ब्लड रिलेशन के, ब्लड रिलेशन तीन तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। एक जो आएंगे आपको समीकरण, समीकरण वाला ब्लड रिलेशन तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक आएंगे आपको समीकरण बेस्ड क्वेश्चन, दूसरा आएगा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन, या इसका अपोजिट होगा। इधर से समीकरण चेक करेंगे तो स्टेटमेंट बनेगा, स्टेटमेंट को उल्टा करेंगे तो यह समीकरण होगा। और लास्ट जो होता है, जो काफ़ी वीवीआई है होटल मैनेजमेंट वाले के लिए भी, होटल मैनेजमेंट वाले के लिए भी, रेलवे वाले के लिए भी, बैंकिंग में बहुत कम पूछता है इससे, एसएससी के लिए भी, पोस्ट ऑफिस के लिए भी, आर्मी के लिए भी सबसे ज़्यादा यह है। इसको बोलते हैं फ्रेम वाला क्वेश्चन। इसमें आपसे बोलेगा एक लड़की के फ्रेम में फोटो देखकर अमर ने कहा। खैर इस लव का भी छुमंतर जाएंगे जानेंगे, शुरू में हम लोग ग्राफ पर सीखेंगे, इसके बाद सबका छुमंतर देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन कैसे एग्जांपल में आते हैं, पहला समीकरण वाला क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम लोग उस पर आधारित समस्याओं को समाधान करेंगे। तो इसमें देगा कैसे, क्वेश्चन में लिखेगा क्या, कंसेप्ट ऑफ ब्लड रिलेशन, ऐसा कंसेप्ट देखिए। आप कंसेप्ट ऑफ ब्लड रिलेशन में आपको क्या सीखना है हमसे, जो हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी कूट भाषा दिया रहे, कूट भाषा का मतलब होता है कोड, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, चेंज कूट भाषा को हम लोग चेंज कर लेंगे, कूट भाषा को हम लोग चेंज कर लेंगे कंसेप्ट लैंग्वेज में, लैंग्वेज में, कंसेप्ट लैंग्वेज में चेंज कर लेंगे। कूट भाषा से क्वेश्चन पूछी जाएगी लेकिन हम लोग चेंज कर लेंगे कंसेप्ट में। क्लियर है? देखेंगे आप गौर से, आप देखेंगे क्या कि क्या क्वेश्चन रहता है। तो यहां पर लिख देगा एक में कि ए प्लस बी, देखेंगे क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया है जहां लिखेगा कि जहां कूट भाषा में ए बी की मां है। दो में लिखेगा ए और बी भागा दे देगा, कहेगा यहाँ ए बी की बहन है, कुछ भी दे सकता है। तीन में कहेगा आपको ए प्लस बी, जहाँ ए बी की, बी का पुत्र है। चार में ए कुछ इसी तरह का वो सिंबल भी बना देगा, त्रिभुज, बी बी का भाई है। पांच में ए स्टार बी दे देगा, लिखेगा स्टार का मतलब ए बी का फादर, पिता। सिक्स में ए स्क्वायर बी, जहां ए बी का पति है। ऐसा कोड क्वेश्चन में कूट भाषा में लिख देगा। कूट भाषा क्या होता है? तो ये जो आप देख रहे सिंबल,
प्लस का मतलब होता है जोड़ना, दो दो को क्या बोलते हैं चार, इसका हम लोग पढ़े हैं जोड़, लेकिन इसको यह समझता चाइनीज भाषा में कि इसका मतलब है माँ, ये अपना कोड भाषा रखता है, इस प्लस का मतलब होता है माँ। तो इस चीज़ को बार बार पढ़ना पड़े स्टेटमेंट को, इसलिए इसको आप कुट भाषा को चेंज कर लेंगे कंसेप्ट भाषा में। कैसे चेंज करेंगे? तो पहले आप ऐसा देखेंगे कि ए बी की माँ है कि बी ए की माँ है, तो क्वेश्चन में दिया रहता है ए है बी की माँ, तो ए ऐसे कर लेंगे, मतलब ई है ए माँ है, कभी कभी ऐसे भी देता है, उल्टा भी देता है, तो ऐसे ए माँ है तो मदर, तो मदर है तो मदर का मतलब तो ए माँ है किसका बी का, तो मदर है तो प्लस होगा कि माइनस, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग माइनस। अब इसकी जरूरत नहीं है, अब ई खत्म हो गई, यही हमारा कंसेप्ट है। जब ये वो चेंज हो गया हम इतना ही में हम काम चलाएंगे कि मदर तो मदर माँ माँ। कहता है कि यह बहन है, तो बहन है तो बहन है, तो जब यह बहन है तो ये क्या कर देंगे माइनस, अब बहन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सिस्टर, तो सिस्ट लिख देंगे, एस नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि जब पुत्र लिखना रहता है तो वहाँ सन होता है, तो एस एस लगेगा तो पता नहीं चला कि सिस्टर है कि सन है। जैसे यहाँ पुत्र दिया तो पुत्र तो प्लस होगा क्योंकि धन कमाने वाला है, यहाँ हो जाएगा एस ओ, अब पता चल रहा होगा कि एस एस कहा नहीं रहेगा क्योंकि एस आई का मतलब पुत्री और एस ओ का मतलब पुत्र। यहाँ पर भाई है तो भाई का मतलब ब्रदर, तो यहाँ ब्रदर और यहाँ लिख देंगे प्लस हो, ए ब्रदर है तो यह नहीं कि यह जो है आदमी इसको अगर भाई कहता है तो कोई जरूरी नहीं कि यह एक भाई ही कहेगा, यह इसको भाई कहेगा, लेकिन यह इसको भाइयों कह सकता है अगर लड़का होगा, अगर यह लड़की होगा तो इसको बहनों कह सकता है। तो जो भी इस रिलेशन है यह वाला भी कन्फर्म है, ये नहीं, जैसे यहाँ से देखेंगे आप कि यह इसको कहे गे माई गे माई, लेकिन यह इसको बेटा कहेगा कि बेटी, इसकी ज्ञात नहीं है इन्हें, प्लस के पहले वाला पता है कि लड़का है कि लड़की, लेकिन बाद वाला नहीं पता, ये कन्फ्यूजन होते हैं बच्चे। कैसे? जब लड़का रहेगा तो कहेगा कि हम इसको माई कहते हैं, हमारा बेटा कहते हैं। भाई तुमको पता है कि तुम मर्द हो, तुमको पता है कि तुम बेटा हो पुत्र हो, इसलिए तुमको लगता है कि हमार माँ हमको बेटा कहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर यह माइनस होती, अगर लड़की का सवाल बनाती है तो वो सोचती है कि मैं पुत्री हूँ, मैं इसको अगर माँ कहूँगा तो मुझे यह बेटी कहेगी। लेकिन यहाँ पर यह क्वेश्चन है कि ए जो है ए किसी का नाम है, ए जो है इसकी माँ है तो माँ है, लेकिन एक ही बेटा है कि बेटी है यह नहीं कह सकते कि लड़का है कि लड़की है। आप कह सकते हैं क्या? वो आपको अपने बारे में तो पता होगा कि आप लड़का है कि लड़की, लेकिन ए और बी के बारे में हो राकेश मोहन श्याम देते तो आप कह भी देते, लेकिन बी के बारे में आप नहीं कह सकते हैं। इसलिए इधर वाला को एकदम कन्फर्म है कि माँ है, लेकिन एक ही बेटा है कि बेटी है यह नहीं सोचेंगे आप। यह जब भी इसकी यह बहन है, लेकिन यह इसको बहने कहेगा कि भाई कहेगा, यह नहीं ज्ञात है, यही कुट भाषा है। यह जो है इसका यह जो दिया हुआ है हमारा जो यह है जो बहन है, लेकिन यह क्या है वो हमें पता नहीं, यानी कि सभी भी चीन से पहले वाला पता, चीन के बाद वाला पता नहीं है। तो भाई कहेगा तो ब्रदर। यहाँ पर ए पी का पिता है, तो पिता है तो पिता है, तो मान लीजिए कि दारू तो पिता नहीं, पिता मतलब फादर। क्लियर? एकदम आप फीलिंग कर रहे होंगे सर ऑफलाइन क्लास में है। यहाँ पर जब भी होगा तो ये क्या हो जाएगा फादर, 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 तो फादर क्या होता है प्लस की माइनस प्लस। अब देखिएगा यह इतना अगर बना लिए तो समझ जाए कि यूं ही एक झटका है, अब इतना अगर आप समझ लिए तो बहुत आसान हो गया, अब इसकी जरूरत नहीं है हो। लेकिन देखिए यहाँ एक चाय पत्ती है, कहता है ए बी का पत्ती है, ए बी का क्या है पत्ती है, तो अगर पत्ती है तो यह क्या होगा पत्ती है तो क्या होगा प्लस, और इसमें हम आपको चेना कहता है तो दोनों तरफ तीर लगा लेंगे, ऐसे कह देंगे हस्बैंड है, तो यह तो हस्बैंड है तो यह पता होगा कि नहीं कि लड़का है कि लड़की हो। ऐसा होगा कि ये अगर कोई आदमी कहेगा नहीं हमर पति है हम कथी छे हमें पता ना, ऐसा होगा? यह फिक्स है इस सिर्फ रिलेशन में, सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में फिक्स है कि अगर यह प्लस हुआ तो यह फिक्स है कि माइनस होगा। लड़की लड़की का पति पति नहीं हो सकता है, लड़का लड़का में पति पत्नी नहीं हो सकता है, और अगर आपके माइंड में अगर कुछ चल रहा है तो वह एक अपवाद है, एक वो झूठी है, वो सत्य नहीं है। तो चले ब्लड रिलेशन की तरफ।
नहीं तो आपसे जो बच्चे जन्म लेंगे उसका कोई रिलेशन नहीं होगा। तो आप अगर भाग रहे हैं तो वो आपका कंसेप्ट जा रहा है विदाउट ब्लड रिलेशन, जबकि हम पढ़ा रहे हैं आपको ब्लड रिलेशन। अब तो बताइए कि हमको नहीं लगता कि आप सारी बातों में कहीं कंफ्यूजन होंगे, हर एक पॉइंट को क्लियर करा रहे हैं। क्लियर अगर है तो लिखिए अभी कमेंट में यस सर। और लोग और लिखिए जल्दी फास्ट। चलिए अब इसी क्वेश्चन पर जितनी मैंने बातों किया है उस पर एकाध वो कंप्लीट एग्जांपल देखेंगे अभी, क्योंकि एग्जांपल से क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है वो देखेंगे। हम लोग दो तरह से बनाएंगे किसी भी क्वेश्चन को, एक जो बनाएंगे ग्राफ से, ग्राफ से हमको संतुष्टि मिलती है, अछू मंत्र से हमको टाइम टेकन बचता है। जब ये अछू मंत्र मारेंगे ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे। तो आइए ये दोनों क्वेश्चन के लिए, यह तो आप एकदम क्लियर है, और भी अगर समस्या आपको दिखाई दे रहा है तो आप बताइए। यह एग्जाम्पल एक लेकर हम दिखाना चाहते हैं क्वेश्चन किस टाइप का होगा। तो आपको सामने हम दिखा रहे हैं यही क्वेश्चन है, समीकरण संबंधित जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि यदि P स्टार Q का अर्थ है कि P Q की माँ है हो, जब भी अगर ऐसा सेंटेंस आता आप इसी को देख रहे हैं इसको, तो अब इसको क्या कीजिए। मैं तो आपको बताया है कि लिखने के लिए अब लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, अब यहीं पर लिख लीजिए, यहीं पर आप समझ जाए कि यहाँ पर ऐसे बना लेंगे क्या है। अच्छा माँ है तो यहाँ लिख देंगे मदर, यहाँ लिख देंगे माइनस। ये हमको पता चल रहा है कि मदर है लेकिन यहाँ क्या है माइनस है। इसका कहता है कि पी क्यू का अर्थ है, पी क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का पति है हो, तो पी क्यू का पति यानी क्या हस्बैंड है, तो यह हस्बैंड है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। इसको डिनोट करें, अभी कुछ हम बता नहीं रहे हैं, वही चीज़ जो दिया हुआ था जो क्वेश्चन कैसे पूछता है सो। तो कहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण, मतलब यह कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण, तो समीकरण कौन ई वाला कि ये वाला कि ये वाला कि ये वाला, ये पांचों में से कौन सा समीकरण, ये समीकरण कहता है इसको, इसको समीकरण, ये समीकरण, ये समीकरण है। कहता है इसमें से कौन सा समीकरण का कहने का अर्थ होगा कि ए, यह क्वेश्चन पूछ रहा है ए बी का पिता है, मतलब इसमें से कौन समीकरण जो है हमको बता दे कि ए जो है बी का पिता है, ए बी का पिता, पिता ऊपर होता है ई प्लस है, यह इसको आपको ढूंढना है ये क्या है। जो क्वेश्चन कह रहा था वो हम आपको समझाएं। अब आपको गौर से ध्यान दीजिएगा कि इसे ए जो होना चाहिए पिता किसका बी का, ए जो होना चाहिए था फादर होना चाहिए किसका बी का। तो आपको यह समझना होगा कि कौन सा होगा, इसमें होगा किसमें होगा किसमें होगा। तो पहले हम ग्राफ से बता रहे हैं फिर आपको हम डायरेक्ट बताएंगे, अभी आप ग्राफ से समझने का कोशिश करें। जैसे अगर मान लीजिए पहला वाला ग्राफ लेते हैं, ये वाली ग्राफ गौर से देखें, ये वाली ग्राफ, तो यह वाला ग्राफ जब ये लीजिएगा तो होगा क्या सो हम आपको बता रहे हैं। देखिए बी और ये दिया हुआ ना चाहिए, तो कभी भी बनाने का शुरू इधर से करते हैं, इधर से ही हम बनाएंगे क्वेश्चन को, कभी बनाएंगे तो यहाँ से। यहाँ क्यों बनाएंगे सो भी हम बता दें कि गुना, तो गुना का अर्थ जो दिया हुआ है पति पत्नी दिया हुआ है। इधर से कीजिएगा तो रॉन्ग मेथड से चले जाएगा, इधर से ही करेंगे, यह पति पत्नी है तो यहाँ पर लिख देंगे एम और यहाँ लिख देंगे ए है गुना, तो गुना का मतलब क्या है पति पत्नी, तो पति पत्नी का चिन्ह तो ऐसे ही देते हैं। यहाँ पर गुना का मतलब पहला वाला हस्बैंड है तो यहाँ प्लस लिख देंगे और यहाँ माइनस लिख देंगे हो। इसके बाद इससे तो यह रिलेशन क्लियर है, इसका रिलेशन इससे भी देखेंगे। तो स्टार, स्टार का मतलब क्या है माँ है, यानी कि यह जो है माँ है, ई नहीं माँ है, यह माँ है, तो यह माँ है तो केकर माँ है, तो एम का माँ है, तो माँ, तो माँ कहाँ होगा तो ऊपर, कौन माँ है बी। यह तो आपको ग्राफ में समझ में आ रहा होगा, यह ग्राफ प्रोसेस से हम आपको बता रहे हैं, यानी समीकरण वन का अगर ग्राफ पूछा जाए तो यह ग्राफ है। अब बोल रहा है आपको कि ए जो है ए बी का पिता होना चाहिए, ए जो है बी का पिता होना चाहिए, तो ए जो है बी का पिता। अब देखिए तो बी से पिता कब होता, जब यहाँ पर ए आई यहाँ प्लस होता तब न पिता होता, लेकिन यह जो दिया हुआ है वो तो नीचा दिया है, तो यह तो कभी सही होगा नहीं।
अगर नहीं होगा तो क्या होगा? तो आप कहिए कि यहाँ पर जो रिलेशन है कि बी का एगो बेटा है, बेटा का कुछ नाम है जो एम है, आ एम की पत्नी है, वो कौन है? ए। तो अगर पूछेगा यहाँ पर ए जो है बी का क्या है, तो आपको लग रहा है ना कि क्या है, बेटा के पत्नी क्या लगती है? बहू। तो इसका आंसर हो जाता है बहू। अगर क्वेश्चन में कहता कि बहू कौन है, तो यह समीकरण हमारा सही हो जाता। लेकिन पूछा है कि बाप होना चाहिए, फादर होनी चाहिए, तो फादर ऊपर होता है, तो नीचा है, तो चेक क्या करेंगे, तो ये आंसर आपका गलत। हर एक बात को एकदम धीरे धीरे समझा रहे हैं, अभी क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, आपको कंसेप्ट में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी होगी उसके लिए हम बता रहे हैं। यहाँ पर दिया हुआ आपको स्टार, तो स्टार दिया, स्टार का मतलब क्या है? माँ है। तो यह जो है ए जो है माँ है, तो ए माँ है किसका? बी का। माँ, माँ का मतलब माइनस खर्चा करने वाली, तो ये माँ है, जबकि ए चाहिए क्या? फादर। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत। यहाँ पर अगर तीन वाले ग्राफ को, समीकरण को हम सॉल्व करते हैं, तो तीन में क्या दिया हुआ है? बी ए का, यानी कि इसका मतलब यह माँ है, यानी कि बी माँ है ए का, बी माँ है ए का। तो यह तो और उल्टा हो गया, क्योंकि हमको चाहिए ए ऊपर, क्योंकि ए जो है पापा होना चाहिए, तो ए ऊपर थोड़ी है, फिर उल्टे हो गए। अगर बेटा चाहे बेटी हो गया, तो ये खत्म। अगर इसमें चार नंबर की अगर बात करें, तो थोड़ा सा देख लें चार नंबर में क्या होता है। चार नंबर में अगर बात करते हैं, तो यहाँ देखेंगे, इधर से मैंने सोचने के लिए बोला था, तो यहाँ लिख लेंगे हम बी, ध्यान से देखेंगे ये, इसके बाद ये स्टार है, स्टार का मतलब हमने सीख लिया है कि माँ होता है यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए। तो इसकी माँ कौन है? तो एम है। देखते रहिएगा, बी की माँ कौन है? तो एम है, तो ये माँ है, तो माँ कर दिए। और इसके अगला का क्या रिलेशन? ग्राफ में पूरा समीकरण पूरा सॉल्व करते हैं, चाहे मैथ हो या रीजनिंग। तो इसके बाद यह दिया गुना, तो गुना का मतलब यह हस्बैंड है, तो ए हस्बैंड है किसका? एम का। तो हस्बैंड है, तो ये प्लस। अब देखिए ढूंढ क्या रहे थे, बी का पापा को, तो यहाँ बी है, बी का क्या है? माँ। अब माँ का ही कौन है? हस्बैंड। तो हस्बैंड है, तो हस्बैंड को, माँ के हस्बैंड को क्या बोलते हैं? पापा। यानी कि चार नंबर हमारा सही है। इसको बोलते हैं ग्राफ मेथड। क्या बोलते हैं? ग्राफ मेथड। तो इसको आप तक क्लियर हो गए होइएगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और इसी को बैक करके आप देखें, फिर अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में लिखें कि क्या समस्या आपको हो रही थी। सब्जी बनाते रहिएगा, इधर उधर घूमते रहिएगा, बातें करते रहिएगा, तो आपको समस्या होगी, लेकिन क्लासरूम बंद करके जैसे हेडफोन और स्पीकर लगा के पढ़ेंगे तो आपको समस्या नहीं होगी। अब देखिए कि अगर इसी क्वेश्चन को अगर हमको सॉल्व करना है किस से, तो डायरेक्ट छूमंतर से, कि ग्राफ को खींचे नहीं आंसर आए तो हो आएगा। गौर से इस वीडियो को देखिएगा लास्टों तक, शुरू में जो छूटा होगा उसको भी आप कवर कर लेंगे, तब इस चीज़ को सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे हमको पहले इसमें सोचना क्या रहता है कि क्या चाहिए, ए जो है फादर, ये नहीं सोचिए क्या चाहिए, सोचिए कि ए जेंट्स होगा कि फीमेल होगा। तो फादर है तो प्लस चाहिए, ए को हमेशा क्या चाहिए? प्लस। बस इसी पर बहुत सारे आंसर कट जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखें तो इधर वाला तो पता चल रहा है कि माँ है तो लड़की है, माँ से मतलब नहीं लड़की है, लेकिन ये लड़का है पता है कि लड़की है? नहीं पता है। तो इधर वाला भी पता है कि यह लड़का है क्या है? लड़की है, क्योंकि माइनस है तो लड़की है, लेकिन ये लड़का है कि लड़की है पता है, लेकिन ये आपको चाहिए क्या? प्लस। तो इसमें कुछ पता नहीं चला, तो खत्म, ये तो ऐबे नहीं करेगा आंसर। यहाँ हमको प्लस चाहिए, लेकिन स्टार के बाद वाला जो भी चीज़ आता है उसको कोड में माइनस से डिनोट करते हैं, तो यह माइनस से डिनोट होगा, जबकि हमको प्लस चाहिए थे तो पापा नहीं होगा, माइनस है तो बहन होगा, बेटी होगा, फूआ होगा, मौसी होगा, लेकिन मौसा मौसी चाचा पापा नहीं होगा, तो क्यों चेक करेंगे? तो ये दोनों तो कहानी खत्म। गुना वाला को देखेंगे, जब यह गुना वाला है तो यह मल्टीप्लाई जो दिया है, तो मल्टीप्लाई में तो वाइफ हस्बैंड का रिलेशन देता है, तो गुना से पहले वाला यह प्लस होगा, लेकिन यह क्या होगा? माइनस। तो यह माइनस होगा किकरो पत्नी हो, लेकिन यह कभी भी संभव नहीं है। तो आपका यह खत्म हो गया, तो आंसर अब होगा तो चार होगा, नहीं तो पाँच होगा। अगर SSC के एग्जाम देते होइएगा तो उसमें चार ही ऑप्शन आता है, बैंक में देते हैं तो पाँच, तो पाँच में तो इसमें तो हम चेक कर लेंगे। जैसे कैसे चेक करेंगे वो बात हम समझा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर पहले तीन मार्क्स कर लेंगे कि यह गुना से पहले वाला, गुना से पहले वाला प्लस है, तो यहाँ प्लस, यह माइनस है माइनस, यह जो है हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड, यह इसकी माँ है तो मदर, आई क्या है पता नहीं। अब ऐसे सोचेंगे बी को पापा ढूंढना है हो,
तो इधर से सोचेंगे, इधर वाले को अपने आप पर सोचेंगे कि मेरा नाम प्रेम नहीं, मेरा नाम बी है, मैं ये कौन, तो मैं ये कौन, मैं मेरा नाम क्या है, तो बी, मेरा नाम क्या है, तो बी, मेरा नाम क्या है, 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 बी। यानी कि हमेशा याद रखिएगा, अपने पर सोचना है। तो ये कौन, तो मैं, मेरा नाम बी। कौन, तो मैं। कौन, तो मैं, मेरा नाम बी। तो मैं, मेरी कौन है, माँ, ई माँ, इसको कहेंगे गे माई, मतलब मेरी मम्मी, ओ मम्मी, तो ये मेरी माँ। अब माँ का ही क्या है, हस्बैंड, तो माँ को हस्बैंड को ऐसा थोड़ी कहते हैं कि से माँ का हस्बैंड इधर आइए, माँ को हस्बैंड को क्या बोलते हैं, पापा। तो हम ही को तो खोजना है बी का क्या, पापा, तो आपके पापा मिल गए, आपका आंसर है। आते हैं फिर अगले ही एक और एग्जाम्पल लेकर, एक एग्जाम्पल ये दिए थे, एक और एग्जाम्पल लेकर, पापा मिला कि नहीं मिला सो बताओ। चलिए एंजॉय करते करते पढ़ते हैं हम लोग, सुने हुएगा, छोटी छोटी बातें लंबी हो जाती है। तो सच्चाई यही है कि कंसेप्ट की वो छोटी बातें क्वेश्चन के लिए लंबी हो जाती है। अगर छोटी बातों को अगर उसी समय सीख लिया जाए तो क्वेश्चन में वो छोटी बातें छोटी ही रह जाएगी, लेकिन क्वेश्चन पढ़ाने समय और कंसेप्ट पढ़ाने के समय थोड़ा भी इधर उधर हो जाए, कंसेप्ट जब हम पढ़ा रहे हैं थोड़ा भी दिमाग अगर इधर से बाहर होगा, कुछ और सोच रहे हैं और सामने अगर मोबाइल देख रहे हैं तो संभव नहीं है। कभी भी मोबाइल से ऐसे नहीं देखिए, ऐसे रखिए, कमेंट्स भी दीजिए तो ऐसे, इस पर ज़्यादा क्लियर दिखता है, मोबाइल को लैंडस्केप में ही रखें। ऐसे रखेंगे मोबाइल तो आपको ज़्यादा फिगर होगा, माइक सब कुछ क्लियर करके एकदम सामने एकदम देखते रहेंगे हेडफोन लगाकर। जो लोगों के पास हेडफोन नहीं है उनको मैंने कहा है कि या तो आप हेडफोन हमसे ले जा सकते हैं या स्पीकर, वैसे हेडफोन नहीं स्पीकर ही देने की बात चल रहा है, इसलिए क्योंकि स्पीकर देंगे तो कम से कम इतना साउंड होगा कि क्लास आवर की तरह आप दूसरे कामों में न जुड़कर अपने पढ़ाई में लगे रहेंगे। तो आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के लिए, इसको गौर से आप देखें, ध्यान दें, बहुत छोटी बातें आपको लंबा क्वेश्चन को सॉल्व करती है। यहाँ पर कहता है कि P का मतलब जैसे पढ़ते वैसे ही बनाते हैं, P प्लस Q का अर्थ है माँ है, तो P माँ है, तो यहाँ माँ है, तो माँ का मतलब क्या होता है, खर्चीली, खर्चीली का मतलब माइनस हो, भागा का मतलब यहाँ दिया है कि भाई है, तो P भाई है, तो भाई है तो ब्रदर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, ध्यान रखिए प्लस माइनस देने वक्त। गुना का मतलब पुत्र है, तो पुत्र को सन बोलते थे, एस ओ कहे थे, सिस्टर रहेगी तो एस आई लिखिएगा, पुत्र है तो पुत्र है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। कहता है पी माइनस क्यू का अर्थ है, पी माइनस क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की बहन है, बहन है तो सिस्टर, यहाँ सन है बेटा है तो ये, और सिस्टर है तो ये, यहाँ पर क्या लिख देंगे माइनस। अब हमको खत्म हो गया, किसी भी क्वेश्चन को हमको किसी की जरूरत अब नहीं है, बस इतना ही अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं, अभी सबको हटा दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए यह कोड जो दिया था उस कोड से आपको कोई लेना देना नहीं, क्वेश्चन का कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। यह वो छोटी बातें हैं कि लंबी लंबी बातों को सफाया कर सकती है। तो इस चीज़ को आप देखते हैं जो आपको सामने दिखाई दे रही है, देखते रहिए क्वेश्चन कैसे हम पढ़ाते हैं। आपको जो भी है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि शॉर्ट में ही आपको समझा दिया जाए। देखिए आपको मात्र ये पॉइंट आपके सामने, इसको पढ़ना नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे ऐसे दे भी देंगे, दो तीन और ये आपका चार, ये चार चीज़ों से आपको कोड हमने कर लिया, क्या लिखा हुआ था उसी बातों को मैंने ऐसे कर दिया। अब कहता है निम्नलिखित में से किसका अर्थ, किसका अर्थ, निम्नलिखित में से किसका अर्थ, मतलब यही समीकरण में किसका अर्थ, ठीक है, तो निम्न मतलब नीचे होता है, नीचे में से कोई का किसी का अर्थ हो तो क्या अर्थ हो, गौर से देखिएगा, अभी भी ग्राफ पहले बताएंगे फिर छुपमंता। तो कहता है कि किसी का भी होना क्या चाहिए, तो एम एन की बहन होना चाहिए, कभी कभी एन एम की बहन पढ़ लेता है, कभी एम एन की बहन पढ़ लेता है, इसको क्या चाहिए, तो इसको यह चाहिए कि एम जो है एन की बहन होना चाहिए, एम जो है यह बहन, सेम जनरेशन में एन भाई बहन का सेम होता है, तो एम एन की बहन होनी चाहिए, एम जो है ई बहन होना चाहिए, एम बहन होना चाहिए, ऐसे लिखने के लिए हम सिखा दें एन लिख देंगे, एन की बहन, बहन कौन है ये, यही आपको ढूंढना है, यानी एम हर हाल में माइनस होना चाहिए।
तो आप तो आप देख रहे हैं कि हम इस क्वेश्चन का बाईपास सर्जरी कर दिए, काट कूट के हटा दिए क्वेश्चन आपके सामने। अभी जो हम आपको कह रहे थे कि m जो होना चाहिए n की सिस्टर होनी चाहिए, तो सिस्टर जब भी है तो क्या होगा, माइनस। ये तो आपको क्लियर कर दिए हैं। तो जब भी अगर ये माइनस है तो ये तो हमारा क्या कहेंगे, सिस्टर है। अब देखेंगे क्वेश्चन में हमको कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5 इतना जो दिया हुआ है, 4 को और एक हमको ये निकालना है। तो इसमें आप गौर से देखें कौन सा आंसर हमारा निकलेगा। तो हो हम जो आपको अगर एक एक करके चेक करते जाए तो देखें, तो यहाँ पहला, अगर पहला वाला को अगर हम देखते हैं तो यहाँ दिया हुआ है क्या, माइनस का। तो माइनस इसमें देखिए कहाँ दिया हुआ, यहाँ दिया था। माइनस का मतलब क्या, सिस्टर। तो आप गौर से देखिएगा कि यह जो दिया हुआ सिस्टर, अगर इसको ग्राफ से बनाएंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा, पहले ग्राफ से बनाकर चेक कराते हैं, फिर आपको छू मंत्र डायरेक्ट बता देंगे। अगर इसको ग्राफ बनाएंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि n जो है खुद बहान है किसका, m का। जबकि यहाँ चाहिए कि m बहान होना चाहिए किसका, n का। यहाँ हो रहा है n m का बहान है, तो यह आपका कभी भी सही हुआ है क्या, गलत होगा। दूसरा वाला में अगर बात करें सेकेंड वाले को, गौर से देखे सेकेंड वाले को अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर इधर से चेक करना है, तो यहाँ लिख लेते हैं m, एम के बाद क्या है, माइनस है। तो माइनस का मतलब सिस्टर है, तो ये जो है सिस्टर है किसका, तो p जो है सिस्टर है m का। ये वाला माइनस है, तो माइनस वाला यहाँ दिया है कि सिस्टर है, तो यह इसकी सिस्टर है। इसके बाद n से निकालना रिलेशन है, तो n को लिखेंगे ना, तो गुना में यहाँ क्या दिया हुआ, सन है। तो n जो है सन है, तो n हमको यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यानी सन है। तो गौर से देखिए, अगर बराबर रहता तब तो बराबर लिखते, सन का मतलब बेटा होता, तो बेटा के लिए क्या होता, नीचा। तो यहाँ पर अगर नीचा रखेंगे तो क्या आ जाएगा, n। यह जो हो जाएगा सन है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो आप देखिए तो m का क्या हो जाए, तो m का ये क्या है, बहन। बहन का बेटा क्या होगा, तो भांजा। जबकि आपको वहाँ क्या चाहिए, बहन, यानी कि ये भी ऑप्शन आपका ग्राफ से गलत हो रहा है। थर्ड नंबर को बढ़िया से देख लीजिए, अगर थर्ड नंबर में देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिख देंगे m, m के बाद भागा, डिवाइड दिया हुआ है। तो भागा का मतलब वहाँ पर आपको दिखाई दिया ब्रदर, तो ब्रदर है, तो ब्रदर तो सामने वाला रिलेशन में होता है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, प्लस। भाई, भाई के बाद फिर दिया हुआ है यहाँ पर देखिए क्या, प्लस। तो यह प्लस, प्लस का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर दिया हुआ माँ, तो माँ है। तो यह जो है पी जो है माँ है किसका, एन का। तो पी है माँ है, तो यह हो जाएगा माइनस। हो तो हमको P का थोड़ी खोजना है, तो P वाला ग्राफ नहीं हो बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम, खोजना तो इसको है। जबकि N की बहन होना चाहिए, कि जबकि इसमें N की EM का ही क्या हो रहा है, माँ, यानी ये भी क्या है, गलत। चार नंबर देखेंगे, चार नंबर, तो चार नंबर में दिया हुआ है क्या, यहाँ M है, तो M यहाँ डिवाइड दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। तो M अगर डिवाइड दिया है तो यहाँ P है, तो डिवाइड का मीनिंग आप देखिए क्या है, ब्रदर। तो यहाँ P जो है भाई है, तो यह जो हमारे दिया हुआ है तो क्या है, भाई। तो भाई है ती, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लस। पी के बाद माइनस है, माइनस का मतलब क्या है, सिस्टर। गौर से देखिएगा इस लाइन को, यह दिया हुआ सिस्टर, तो पी का सिस्टर है एन, तो पी का सिस्टर एन है, तो यहाँ लिख देंगे सिस्टर है। तो देखिए, तो यह जो मैं हूँ, आपको बोले थे कि यह लाइन में जब भी आएंगे तो यह मैं हूँ, तो मैं, मेरा कौन, भाई, भाई के बहन, तो मेरा भी बहन। तो यहाँ बहन तो हो रहा है लेकिन एन बहन हो रहा है, लेकिन एम बहन होना चाहिए, तो ये भी गलत है। तो जब अगर यह चारों के चारों अगर गलत हैं, चारों के चारों गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो आंसर क्या हुआ, तो डायरेक्ट आंसर रंग लेंगे पाँच। पाँच रंगने के बाद भी अगर संतुष्टि ना है कि पाँच हो सकता है कि गलत हो, तो पाँच को एक बार चेक किया जाए। तो लीजिए पाँच को हम चेक करते हैं, फाइव नंबर को। यहाँ एन और भागा है, तो भागा का मतलब ब्रदर है, तो एन, एन का भाई, भाई मतलब सामने जनरेशन। यहाँ पी, तो पी, भाई का मतलब क्या होता है, प्लस। तो इसका यह क्या है, भाई। इसके बाद दिया माइनस, माइनस का मतलब होता है सिस्टर, तो एम, और यहाँ पर दिया हुआ सिस्टर मतलब बहन। अब आपको यह बात क्लियर कहे थे कि ये अपना सोचना, इधर वाला हम खुद रहते थे, मैं, मेरा कौन, तो यह तो भाई है, भाई, भाई के बहन, तो बहन। तो एम का क्या खोज रहे थे, बहन है, तो खोज रहे थे कि एम बहन होना चाहिए, एन का, तो एन बहन है, आंसर हो जाएगा। अब बताइए कि यह बात आपको समझ में आया कि नहीं, क्योंकि ग्राफ से आपको दिखाया है, तो ग्राफ से तो इतना लंबा बनाना पड़ता है, लेकिन हालांकि इसकी आपको जरूरत नहीं है, आप चाहेंगे तो इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे, तो देखें छू मंत्र से। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन में कि m जो है माइनस होना चाहिए, यानी बहन होना चाहिए किसका, n, यानी कि हर हाल में यह खाली देख लेंगे, छू मंत्र काम करेगा आपका।
यह देखना है कि एम जो है हर हाल में क्या चाहिए, माइनस चाहिए, एम हर हाल में माइनस चाहिए। तुरंत आप छू मंत्र लगाएं, आंसर आपका सामने। देखिए ऑप्शन में यहाँ पर अगर माइनस है तो आप माइनस के पास पहुँचिए, माइनस के इधर वाला कौन पता नहीं है और इधर वाला पता है, जबकि हमको एम चाहिए। यदि पता नहीं है कि माइनस है कि प्लस, तो क्या होगा? जो पता नहीं कि लड़का है कि लड़की, तो उसका क्या आंसर होगा? कुछ भी नहीं। यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है और माइनस से पहले वाला हमको पता नहीं, तो एम को नहीं पता। तो खुद डिवाइड दिया हुआ है भाग, यहाँ देखिएगा भाग के पहले वाला कुछ है पता, नहीं पता, तो कैंसिल। अब देखिए गौर से कि यह भागा है तो यह वाला पते नहीं। अब देखिए गौर से यहाँ भी भाग वाला था, आप भी कहे इसको भी काट दीजिए, नहीं। यहाँ पर गौर से देखिए कि अगर हमको एन थोड़ी पूछा है, एन लड़का है कि लड़की है, यह हमको पता नहीं है कि लड़का है कि लड़की है, तो एन तो यहाँ भी पता नहीं है, हमको एम के पास चाहिए ना। तो एम जो दिया हुआ है इसमें देख लीजिए माइनस, तो ये माइनस, तो इसका मतलब एक चांस होता है, लेकिन इसको हम चेक कर लेंगे कैसे। तो यहाँ पर ये मैं, भागा का मतलब भाई, और भाई के ही हो गया बहन, तो मेरा भी बहन, यानी कि आंसर हो गया डायरेक्ट छुमंदर से। क्लियर? तो देखते रहिए, ब्लड रिलेशन का एक कंसेप्ट दिए हैं जो आपको समझ में आया होगा। फिर कल मैं इसी समय अपने क्लास पर ससमय आ जाऊँगा।